अच्छा, पाथ फाइंडर की बात कर रहे थे। पाथ फाइंडर में ऑन कर रहे तो विंडो में जाते हैं। पाथ फाइंडर, चलिए एक में ही बॉक्स बना रहा हूँ और एक सर्कल ले लेते हैं। सेलेक्ट करना है, इस तरह सेलेक्ट करें कि ये पता नहीं आपस में ये बैलेंस है या नहीं है। तो हम जाते हैं लाइन में, यहाँ भी लाइन आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है लाइन, तो उसमें जरूरत है यहाँ से हमें लाइन करना है। ठीक है, अभी अलाइन हो गया। अच्छा, पाथ फाइंडर पे आ जाएं। सबसे पहला जो ऑप्शन है यूनियन का है, ठीक है, यूनाइट कर देगा इसको, बिकम वन पार्ट। इसका कलर चेंज कर लें एक का ना। ठीक है, सिंगल पार्ट हो गया। ठीक है, अंडू कर रहा हूँ। पंच करना है इसको, ये पंच हो गया। अच्छा, अब ये वाला जो ऑप्शन है ओवरलैप करे ना सेंटर, ये वाला एरिया ओवरलैप करे दोनों आपस में, तो ये रह जाएगा, बाकी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसका रिवर्स है, ठीक है, यहाँ से ट्रांसपेरेंट हो गया है। ठीक है, तो एक काम करें, अभी आप इलस्ट्रेटर खोलें और ये ज़रा चार ऑप्शन को चेक करें। ठीक है, अब ये जो गाड़ी वाला ऑप्शन था, ठीक है, उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ वाला फर्स्ट करें, यहाँ में पंच करना, ये पंच कर सकते हैं। बाकी एक लोगों ने आपको पंच करके दिखाया था किस तरह, क्यों पंच कर किया हमने। ठीक है, ये विंडोज़ वगैरह में अगर ट्रांसपेरेंट करनी है तो इसको भी पंच कर सकते हैं। खैर, इसको अभी आपको 5 मिनट दे रहा हूँ। 5 मिनट में ज़रा इसको पाथ फाइंडर को चेक करें चारों ऑप्शन, फिर हम इसका ये वाले ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, मूव कैसे होगा जब इसको आप कोई भी ऑप्शन दे देते हैं। यहाँ से प्रेस करें आपने इसको पाथ फाइंडर में जाके, अपने ये वाला ऑप्शन दे दिए डिवाइड के, प्रेस करें। अब जब मूव कर रहे हैं तीनों के साथ मूव कर रहे हैं तो बाहर क्लिक करें, फिर उसके बाद भी ये ग्रुप में है तो या तो इसको आप राइट क्लिक करके अनग्रुप कर लें या फिर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करके से आप उसको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ये करें कि आप वाइट एरो पर जाएं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से यहाँ से भी अलग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक ऐसा सवाल था, ग्रेडियंट नहीं आ रहा, विंडो पे जाएं और ये ग्रेडियंट का ऑप्शन ये आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास, एक मिनट, मैं इसको ज़रा डिलीट कर रहा हूँ। मैं ठीक है, तीन सर्कल लिए, इनको मैंने सेलेक्ट किया और ये यहाँ से इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ। तो डिवाइड को हिट किया, उसके बाद आपने इसको डायरेक्ट सिलेक्शन ये सेलेक्ट कर लें या ए ले लें, डी सेलेक्ट किया, फिर इसको आप देखिए अलग अलग कर सकते हैं। ठीक, ठीक है, और ये देखिए, ये आपका एक, ये भी एक डिज़ाइन इसको यूज़ कर सकते हैं हम, लेकिन ना सिर्फ एक ऑप्शन से कितने जल्दी ये बन गया। अच्छा जी, मैं इसको अंडू कर रहा हूँ और इसी तरह हमारे पास दोबारा सेलेक्ट करें और ये ट्रिम कर देगा। ट्रिम को सेलेक्ट करें और देखेंगे, डबल क्लिक किया मैंने। ठीक है, तो इस तरह हम ट्रिम भी कर सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाएं, ये वो यूनाइट कर देगा, मर्ज, जिस तरह ये यूनाइट कर रहा है इस तरह मर्ज कर देगा। मर्ज हो गया ये पूरा एक साथ। ठीक है, अच्छा आगे क्रॉप है। अब यही काम यहाँ से भी किया था ना, इंटरसेक्ट से। ठीक है, और ये आउटलाइन में आ जाएगा, आपका सारा कुछ आउटलाइन हो जाएगा। ठीक है, अनग्रुप कर लें, कंट्रोल शिफ्ट जी। ठीक है, फिल कर दें इसको, आउटलाइन में किया तो फिल करना पड़ेगा आपको। दोनों को मैं सिलाई करके ज्वाइन कर रहा हूँ, कंट्रोल जे, और अब यहाँ से इसको कलर कर दें। और ये जो है ये क्लोज़ नहीं है, ठीक है, देखिए यहाँ लाइन नहीं आ रही, तो
अगर मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लूँ इसको, देख रहे हैं यहाँ लाइन नहीं है, कंट्रोल जे करेंगे ये लाइन आ जाएगी। ये भी शेप इसी तरह कंप्लीट नहीं है, तो इसे भी कंट्रोल जे करके कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गए आपके। अच्छा आगे ये रह गया, ये भी हमारा ये जिस तरह ये था ना हमारा पंच, ये भी इसी तरह पंच है। अगर मैं दोनों को कर लूँ सिलेक्ट, मगर रिवर्स करेगा ये, यहाँ से अगर पंच करता हूँ तो ऊपर वाला नीचे वाले पंच हो गया, और यहाँ से करता हूँ तो नीचे वाला ऊपर वाले पंच हो गया। ठीक है, इसका रिवर्स ऑप्शन है। तो हमें ये अब ये 6 टूल्स हैं, ऑप्शन हैं, इसको ट्राई करें। तो 5 मिनट बाद दोबारा इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सर्कल बना रहा हूँ, फर्स करें एक सर्कल मैंने बनाया है, शिफ्ट प्रेस कर लें ताकि ये प्रॉपर हो जाए। इसकी मैं कॉपी बना लेता हूँ, अल्ट्रा प्रेस करते हैं। ठीक है, एक हमें क्रिसेंट बनाना है, सेलेक्ट किया उसको हम पंच करते हैं। ठीक है जी, और स्टार बनाना है, स्टार बना लें, आपको स्टार बनाना तो आता है। ठीक है, तो कितना फास्ट यानी कि काम कर सकते हैं पाथ फाइंडर के थ्रू, तो बस ये आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कहाँ आपको कौन सा टूल यूज़ करना है इसमें से। ठीक है, अच्छा इसी से मिलता जुलता हमारे पास एक और टूल है, और इसका नाम है शेप बिल्डर टूल। ठीक है, तो इसको हम अभी नहीं देखेंगे, इसको हम देखेंगे अगली क्लास में, ओके। वरना आप क्या होगा कन्फ्यूज़ जाएंगे दोनों दोनों चीज़ों में ना। तो मैं इसका कुछ असाइनमेंट दूंगा आपको, तो वो असाइनमेंट कीजिएगा ताकि ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए, आपको याद हो जाएगा, फिर हम बाद में जब उसको देखेंगे फिर मैं इसका असाइनमेंट दूंगा आपको। अभी जब आपने लोगो बनाया ना, उसको बनाने में बहुत आसान हो जाएगा अभी ये इस टूल के साथ। ठीक है, शेप बिल्डर के साथ। हाँ ये नहीं हुआ था, चले ये जब पर्सपेक्टिव टूल का आप क्लिक करेंगे ना, तो ये पर्सपेक्टिव गाइडलाइंस आ जाएंगी, ये गाइड्स नहीं दे हुआ रहे हैं था, हमें ना। नहीं ठीक सर, है, नहीं। और अगर आपको उसको बंद करना हो तो देखिए यहाँ एक 3D एक क्यूब्स आ रहा है, इसके साथ क्रॉस आ रहा है। ठीक है, तो क्रॉस हो जाएंगे तो फिंगर आ जाएगी, जिसको क्लिक करते हैं तो हाइट हो जाएगा। ठीक है, और दोबारा इसको क्लिक करें या कहीं और हिट करें, और दोबारा इसको हिट करें तो दोबारा अपेयर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो व्यू में जाएं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं इसको डिसेबल, व्यू में जाएं, पर्सपेक्टिव ग्रिड और हाइट ग्रिड। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई शॉर्टकट है इसका, हाइट हो गई, इसी तरह शो करना है। यहाँ चले जाएं दोबारा पर्सपेक्टिव ग्रिड, और इसको हम शो करवा देते हैं। ठीक है, अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट 2 साइड्स हैं इसके हमारे पास, एक ये अभी ये ब्लू साइड है और एक ये वाला एक ऑरेंज साइड है। यहाँ देखें तो क्यूब्स आ रहा है, ये अभी ब्लू वाला हाईलाइट है, इसको मैं हिट करता हूँ अगर, तो ये वाला ऑरेंज वाला हाईलाइट हो गया। अब मैं कुछ भी बनाऊंगा तो इस ऑरेंज वाले वॉल पे ही बनेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको से एक ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए मैं यहाँ बना रहा हूँ मगर वो पर्सपेक्टिव राइट वॉल पे आ रहा है। ठीक है, अगर मुझे लेफ्ट पे करना है तो लेफ्ट वाला मैं यहाँ इसको हिट करता हूँ। ठीक है, यहाँ हिट करूँगा ये लेफ्ट वाला, ये हो गया ब्लू। अब जाके मैं लेफ्ट बनाता हूँ, देखिए बाहर से ही बना दूँगा, लेफ्ट पे ही आ रहा है। देखिए अभी पर्सपेक्टिव आ गया आपका। अच्छा अब इसमें आप टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं, टेक्स्ट हम टाइप कर लेते हैं और फॉन्ट साइज 1 0 लगा दें आगे। ठीक है, इसको होल्ड करके ड्रैग करेंगे आप तो ये देखिए पर्सपेक्टिव में आ गया ही। अब जिस किस तरह आपको चाहिए वो आप देख लें, जहाँ इसको रिलीज़ करेंगे ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, और मगर ये अभी फॉन्ट नहीं रहा, अभी ये इमेज बन गया वेक्टर बेस। ठीक है, तो इसको देखिए हम अगर वाइट एरो से सेलेक्ट करते हैं तो ये इस तरह सेलेक्ट होगा। ठीक है, इसके पॉइंट्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, सही है। अच्छा जी, इसमें और क्या ऑप्शंस हैं, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। आप व्यू में जाते हैं, व्यू पर्सपेक्टिव ग्रिड, 1 पॉइंट ग्रिड, 2 पॉइंट अभी हम देख रहे थे, और ये 3.1 पॉइंट पे आते हैं, पर्सपेक्टिव ग्रिड 1 पॉइंट। ठीक है, तो ये वन वॉल है और ये इसका फ्लोर आ रहा है। ठीक है, तो ये अभी क्या सेलेक्ट है, वॉल सेलेक्ट है ना, तो जब मैं बनाऊंगा तो ये वॉल पे ही जाएगा, इस तरह आएगा। ठीक है, और अगर फ्लोर पे बनाना है हमें, ठीक है, तो ये फ्लोर पे आपके आ गया। तो अच्छा इसको मूव भी कर सकते हैं, यहाँ से इसको होल्ड करें, उसको आप ड्रैग कर लेंगे, ये अप डाउन कर लें। ठीक है, ये पोजीशन इसकी आप चेंज कर लें, इसको मैं कंट्रोल ए करके डिलीट कर रहा हूँ, आप देखें आप। ठीक है, लेफ्ट राइट यहाँ से इसको अप डाउन कर लें, कितना पर्सपेक्टिव चाहिए आपको।
ठीक है, तो ये पूरा कंट्रोल आपके पास है। ठीक है जी, और फिर उसके बाद हम इसमें भी टाइप करके देखते हैं, होल्ड करें उसके ऊपर। ठीक है, पर्सपेक्टिव में आ गया। किस तरह आया, जब मैंने ये इसको टूल को सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल को होल्ड किया है मैक में, ऑप्शन को, इसको सेलेक्ट करेंगे तो पर्सपेक्टिव में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस पे फ्लोर पे क्यों क्यों आ रहा है, क्योंकि ये वाला हमने क्लिक किया हुआ है। अगर हम ये क्लिक कर लें, इसको अंडू करें, और दोबारा मैं इसको कंट्रोल प्रेस करता हूँ, इसको यहाँ लेकर आ जाऊँ, तो ये फिर ये वॉल पे आ गया आपका, पर्सपेक्टिव में टाइप किया हुआ। ठीक है, ये देखें। अच्छा जी, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं थ्री बेस के ऊपर। थ्री साइड्स में क्या होगा, व्यू में जाएंगे दोबारा, पर्सपेक्टिव ग्रिड और थ्री पॉइंट ग्रिड। ठीक है, अच्छा चेंज वेंज तो मैंने बता दिया, यहाँ से इसको हम चेंज कर सकते हैं, क्यूब को इसकी वॉल में हटा दूँ। ठीक है, खैर मैं क्यूब ले रहा हूँ अभी, लेकिन लेफ्ट वाला सेलेक्ट है, लेफ्ट हाईलाइट है। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं आप। ठीक है जी, ये हमने लेफ्ट पे बनाया, इसी तरह राइट पे करना है। राइट को यहाँ हिट करेंगे आप। ठीक है, ये राइट राइट पे हिट कर दिया, अब देखेंगे ये राइट पे बन जाएगा। कलर थोड़ा चेंज कर दें इसका, और इसे आप टॉप पे करना है, तो ये आप यहाँ पर आएंगे। ठीक है, ये जो बॉटम वाला है, और यहाँ पर हम बना लेते हैं। ठीक है, बाद में इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं ना, कलर इसका हम चेंज कर दें। ठीक है, पर्सपेक्टिव ग्रिड को आप बंद कर देते हैं, हम व्यू में जाएं। ठीक है, वाइट एरो से किसी वक्त जाके आप उसको मॉडिफाई करना है, उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, एरो पे इसको सर्कल पे हिट करें, इसको कर्व कर दें। ठीक है, कंट्रोल वाई करें, तो यहाँ से भी इस तरह आप बिल्कुल वाई फ्रेम में आ जाएंगे ना, यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये इस टूल को देखें, और फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, ये परफेक्ट सिलेक्शन है इसके अंदर, इसको भी ट्राई कीजिएगा ये। ठीक है, सिलेक्शन इसकी ठीक है, तो ये दोनों टूल देखें, फिर हम आगे देखते हैं 5 मिनट्स के बाद, दोबारा शुरू करते हैं। कंट्रोल ए और डिलीट कर रहा हूँ, और पर्सपेक्टिव को भी मैं बंद कर रहा हूँ, या सिंगल पे चले जा रहा हूँ मैं, पर्सपेक्टिव, और ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, और अब इस पे मैंने अभी ये ब्लू वाली वॉल सेलेक्ट की हुई है, तो मैं जब बनाऊँगा तो ब्लू वॉल पे ही बनेगा। ठीक है, पर्सपेक्टिव जितना जाएंगे अब, और इसको वॉल को अगर आपको मॉडिफाई करना है तो पर्सपेक्टिव टूल पे हैं, और यहाँ से अब इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं ना। ठीक है, मुझे यहाँ चाहिए, और इसकी ग्रिड्स बढ़ानी है आपको। ठीक है, और ये अगर यहाँ से इसको चेंज करना है हमने, इसका एंगल, तो ये चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसको कम करना है, इंक्रीज डिक्रीज यहाँ से कर सकते हैं वॉल को। अब जाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, और देखें ये बन गई वॉल। अब इसी तरह हम इसको फ्लोर पे कुछ बनाना है, रोड है, तो हम यहाँ इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, बॉटम से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, और ये ठीक है, इसका हम कलर चेंज कर दें। अब फर्स्ट करते हैं, यहाँ मीट नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा, वाइट और पे क्या, इसको जस्ट पॉइंट को हिट करें, ए ए प्रेस करें। ठीक है, उसके साथ इसको हो
ओके मैच, ठीक है, जूम करके आप इसको कर लेंगे Ctrl 0। इसी तरह इसको भी मैं यहाँ से इसको मैच करवा दूँ। ठीक है, तो मॉडिफाई तो आपको पता है, आप कर लेंगे मॉडिफिकेशन। चलिए जी, ये हो गया टू वन साइड, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। उसके बाद जाते हैं व्यू में, हम जाके देखते हैं परस्पेक्टिव, टू पॉइंट परस्पेक्टिव। ठीक है, ये मैंने लेफ्ट वाली वॉल सेलेक्ट कर लेता हूँ। सीधा पे राइट पे आ जाएं, राइट भी बन जाएगा। ठीक है, तो बाद में इसको मॉडिफाई करने, अप डाउन करने, दोनों को मैंने सेलेक्ट किया पॉइंट्स को, और अप डाउन यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे हमने ये अभी किया है, टैक्स भी कर सकते हैं। दोबारा देखो, डिलीट कर रहा हूँ उसको मैं, और परस्पेक्टिव दोबारा ऑन करते हैं, और टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ मैं, टेक्स्ट हिट किया तो इसके अंदर नहीं आ रहा। हमने मूव टूल लिया तो फिर भी इसके अंदर नहीं आ रहा, तो आप जाएँ परस्पेक्टिव ग्रिड को सेलेक्ट करें, परस्पेक्टिव इसको सेलेक्ट कर लें, हो गया। ठीक है, ये आप इसी टूल से करना चाह रहे हैं, हमने क्या किया था, परस्पेक्टिव सिलेक्शन को लिया, इसी परस्पेक्टिव से करना चाह रहे हैं, तो कंट्रोल को होल्ड कर लें तो भी हो जाएगा ये। ठीक है, ये देखें, ठीक है, राइट पे हो गया, मुझे लेफ्ट पे भी चाहिए, तो दोबारा मैं एक और फॉन्ट लेता हूँ और इसको भी मैं यहाँ मूव करवाता हूँ। ठीक है, परस्पेक्टिव ग्रिड, और कंट्रोल को होल्ड किया, इसको मैं लेफ्ट कर लूँ, ये लेफ्ट हो गया। ठीक है जी, तो ये राइट वॉल पर, ये लेफ्ट वॉल पर आ गया। ठीक है, बंद करना है इसको, हम बंद कर लेते हैं। सही है। अच्छा जी, थर्ड ऑप्शन हमारा व्यू में आ जाए, परस्पेक्टिव ग्रिड 3 पॉइंट। ठीक है, और लेफ्ट सेलेक्ट है तो लेफ्ट पे बना लेते हैं पहले क्यूब, राइट क्लिक कर लेते हैं, राइट पे आ जाएं, और फिर टॉप पे आ जाएं तो ये बॉटम सेलेक्ट कर लें। ठीक है, अच्छा मॉडिफाई तो बाद में कर सकते हैं, इसको कलर ज़रा चेंज करते हैं इसका। ठीक है, इसे यहाँ से ये आउट हो रहा है, तो आपने क्या किया, मेरा कंप्यूटर जवाब दे रहा है। ठीक है, और इसको परस्पेक्टिव को हम बंद कर दें, Ctrl 0। ठीक है जी, Ctrl A, और इसको मूव कर लें ऊपर, ग्रुप कर लें। ठीक है, तो ये ज़रा, अच्छा एक मुझे सवाल शुरू में आया था, वो मैं भूल गया बताना, कि वो टेक्स्ट को हमें रोटेट कैसे करना है। मुझे अभी याद आया कि वो अगर हमने इस तरह लिखा हुआ है टेक्स्ट, ठीक है, मैं इस पर टाइप ना पाथ, ठीक है, फॉन्ट बहुत बड़ा हो गया, 70 करो मैं इसको। अब इसको रोटेट करना है, देखें आप ये एरो सेलेक्ट करें, और एरो के बाद आप यहाँ पर आ जाएं, जब ये देखें एरो के साथ, जब ये छोटा एरो आइकॉन आ जाएगा ना, तो आप ये लाइन को होल्ड करेंगे, होल्ड करके आप इसको ड्रैग करेंगे। एक तो ये इस पर ना मूव कर रहा है, इनसाइड आ जाए तो इनसाइड आ जाएगा, देखिए इनसाइड आ गया ये। ठीक है, लाइन को दोबारा होल्ड करें, आउटसाइड लें, आउटसाइड आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा, इसको आपको रोटेट करना है, रोटेट टूल पर आ जाएँ सिंपल। ठीक है, और कहाँ पर है पिवट, सेंटर में, तो सेंटर में ये मूव कर रहा है सिंपल। पिवट को मैं यहाँ लेकर आ जाऊँ, तो भाई यहाँ से मूव करेगा ये, इस तरह मूव करेगा। ठीक है, ज़रा ऑल्ट प्रेस करके देखें इसको, ये आ गया, और Ctrl-, Ctrl-D। ठीक है, तो ये कुछ बन गया है। चलिए इसका हम कलर चेंज करते हैं, देखते हैं, इसे खेलते हैं थोड़ा सा, और इसका 50 कर दूं मैं, इसका
है, ग्रुप कर लूँ कंट्रोल जी, बस ऐसे ही कुछ बन गया। ठीक है, पर्सपेक्टिव में, और इसके फ्लोर ऊपर लेकर आना है हमें ना, तो पर्सपेक्टिव को ऑन करते हैं, फ्लोर ऑन करते हैं और कंट्रोल को प्रेस करते हैं, इसको ड्रैग करेंगे, आ गया इसके ऊपर। ठीक है, साइज़ छोटा कर लें, साइज़ बहुत बड़ा है। देखिए ओके, ठीक है, देखिए पर्सपेक्टिव में इस तरह राइट लेफ्ट वॉल पे भी आ सकते हैं और इसके फ्लोर पे भी आ सकता है। तो ठीक है जी, ये दोनों तीनों चीज़ें समझ ली आपने पर्सपेक्टिव टूल की। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और आगे हमारे पास ग्रेडियंट टूल है, इसको एक बार हम फिर देख लेते हैं अगर हम सेलेक्ट करें। अच्छा जी, कलर किस तरह करना है हमने, फर्स्ट करें ये मुख्तलिफ सर्कल्स हैं भाई इसको। ठीक है, हम सेलेक्ट करते हैं, अब जो भी हमें कलर इसमें इंक्रीज़ करना है डिक्रीज़ करना है, तो अभी देखिए इसकी आउटलाइन कलर नहीं आ रही ना, आउटलाइन के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको क्यू को ऊपर लेकर आएंगे तो ये ऑटोमेटिक कलर का नहीं ये पैनल आ जाएगा। अब यहाँ से जस्ट सेलेक्ट कर लें आप, ठीक है, या कलर गाइड में आ जाएं और यहाँ से भी कलर ले सकते हैं। ठीक है, और ये कलर में यहाँ आ जाएं, परस्पेक्टिव में कलर किस तरह आएगा। अच्छा, इसमें सर क्या पर्सपेक्टिव मुश्किल है, में नहीं चलें समझ आ चलें रहा। चलें देख लेते हैं। परस्पेक्टिव को ऑन कर लेते हैं, परस्पेक्टिव ग्रिड आ गई और स्पेस बार को होल्ड किया, जी इसको हम ऊपर लेकर आ जाते हैं अपनी विंडो को और इसको हम बना लेते हैं रेक्टेंगल। पहले कौन सा, बॉटम वाला सेलेक्ट है, चले जी बॉटम वाला बना लेते हैं। ठीक है, अब येलो सेलेक्ट कर रहे थे, येलो ही आ रहा है ना अभी, क्या बॉक्स बन रहा है ना हमारे पास। चलिए जी, येलो बॉक्स बन गया, फिर हमने राइट पे हिट किया, राइट वाली वॉल पे, अब यहाँ बनेगा, यहाँ पर हिट किया, अब येलो सेलेक्ट है तो येलो ही आ रहा है, कोई बात नहीं, आने दे, बाद में चेंज कर लेंगे इसको। आफ्टर लेफ्ट वॉल यहाँ से देखें, लेफ्ट वॉल सेलेक्ट करता हूँ मैं, ये लेफ्ट वॉल। ठीक है, और अब ये लेफ्ट पे बना लेते हैं, बनाने के बाद मैं इसको बंद कर रहा हूँ पर्सपेक्टिव को, तो आपको समझने में आसानी होगी। आपको मूव टूल सेलेक्ट करें, अब देखें तीन अलग अलग क्यूब्स हैं हमारे पास ना, किसी भी एक जिसका कलर चेंज करना है इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ जाके हम कलर चूज़ कर लें। ठीक है, कलर चेंज नहीं हो रहा भाई, ये रेड कर रहा हूँ मैं, रेड नहीं आ रहा है, क्या क्या क्या, क्या गलती कर रहा हूँ बताएगा कोई मुझे। देखिए रेड में सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से ब्लू सेलेक्ट कर रहा हूँ, आ नहीं रहा, क्या गलती की है मैंने। देखिए यहाँ मैंने क्या, ऊपर क्या आ रहा है, स्ट्रोक, तो स्ट्रोक का कलर चेंज कर रहा है वो, इनर का नहीं कर रहा, तो मुझे क्या करना होगा, इसको इनर क्यूब को हिट करें एक बार, जब क्यूब ऊपर आ जाएगा देन आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इसका कलर चेंज करना है आपने, इसका कलर चेंज कर लें हम। ठीक है, तो सेलेक्ट करना ज़रूरी है, अप्लाई करो उसे, सेलेक्ट कर लें और जाके बस कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लें, या यहाँ फिल पे चले जाएँ, यहाँ से सेलेक्ट कर लें। ठीक है, या इस क्यूब पर डबल क्लिक कर लें, यहाँ से चेंज कर लें। ठीक है, या फिर यहाँ ऊपर भी ऑप्शन आ रहे हैं ना हमारे पास, यहाँ चले जाएँ, यहाँ से चेंज कर लेते हैं। ठीक है जी, क्लियर है, चलें अब आगे चलते हैं, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। आगे हमारे पास ये ब्लेंड टूल आ रहा है, एक मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ और एक बना रहा हूँ मैं सर्कल, स्टार बना रहा हूँ, चलिए स्टार एक बना रहा हूँ, स्टार का कलर मैं कर रहा हूँ रेड और ग्रीन, और दोनों को मैं कर रहा हूँ सेलेक्ट, और ये इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, तो ये आपस में हो गए। ठीक है, और उसका मैं अगर आउटलाइन कलर चेंज कर दूँ, इसका मैं येलो कर दूँ आउटलाइन। ठीक है, आप सेलेक्ट ना भी करें, फिर एक को सेलेक्ट किया मैंने इसको, और ये हमने सेलेक्ट किया टूल ब्लेंड, इसको हिट किया, इसको हिट किया, तो ये ब्लेंड हो गया आपस में। ठीक है, ब्लेंड टूल को अंडू कर रहा हूँ और डबल क्लिक कर लें, दोनों को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद ब्लेंड टूल को डबल क्लिक कर लें, तो इसके कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, स्मूथ कलर, ठीक है, और यहाँ हिट करें, अच्छा जी स्पेसिफाइड स्टेप भी कर सकते हैं, अभी तो बहुत सारे स्टेप्स आ रहे थे ना, मैं अगर इसको 20 स्टेप्स कर दूँ। ठीक है, ओके, ट्वेंटी
20 स्टेप्स में आ गए ये, ठीक है। अंडू करो, दोबारा जाएं इसको, और अब हम जाके ये थोड़ा और, ठीक है, और ज़्यादा ये इफेक्ट चेंज हो गया आपका। दोबारा जाएं, इसमें एक और ऑप्शन है, ठीक है, स्पेसिफाई डिस्टेंस कितना चाहिए आपको, तो मैं इसको करूँ 0.25, ठीक है, ओके, ठीक है, 0.25 के डिस्टेंस इसने रिपीट कर दिया है, ठीक है। तो कैसे किया, डबल क्लिक करें, फर्स्ट ऑप्शन को दोबारा देखते हैं, स्मूथ, यहाँ पर दो ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट किया हमने, एक सेलेक्ट करें, सेकंड को हिट करें, तो ये, ठीक है, आप ये हिट करें, वो हिट करें, एक ही बात है, ठीक है। तो इसको ज़रा ट्राई करें, फिर हम आगे देखते हैं जी। दोबारा देखें, मैं एक स्टार बना रहा हूँ, इसको ब्लेंड करते हैं, और इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, अल्ट्रा प्रेस करके इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ, कलर इसका मैं चेंज कर रहा हूँ, और ब्लेंड ऑप्शन में जाके थोड़ा सा मैं इसके नंबर स्टेप्स जो हैं मैं 25 कर रहा हूँ, ओके, फर्स्ट से सेकंड हिट, ठीक है, ये आ गया। अब मैं एक पॉलीगॉन ले रहा हूँ, इस सर्कल ले लेता हूँ, ठीक है, और दोनों को सिलेक्ट कर लें, शिफ्ट प्रेस करके दोनों सिलेक्ट हो गए। अब ये क्या था हमारा ऑप्शन, ब्लेंड, ठीक है, ऑब्जेक्ट में आ जाएं, ब्लेंड में आ जाएं, ठीक है, देख लें ऑब्जेक्ट में और ब्लेंड, ठीक है, रिप्लेस स्पाइन, ठीक है। अब ये क्या मतलब, स्टार के साथ करते हैं, स्टार ले लेते हैं, ठीक है, आपके स्पाइन बड़ा होना चाहिए साइज, नहीं ये ऑब्जेक्ट ब्लेंड रिप्लेस स्पाइन, ठीक है। अच्छा, यही क्या अगर आप हम रेक्टेंगल बना लें, फिर देखें एक बार, फिर देखें, ठीक है, कलर चेंज करते हैं इसका हम, और स्टेप कम कर लें थोड़े से, ठीक है, इसी बात से लोग, मेरा टाइम भी होने वाला है, ठीक है, और दोनों को सिलेक्ट किया हमने, ऑब्जेक्ट ब्लेंड, ठीक है, तो वो स्टेप उसके आ गए, वो वाइट एरो से इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, ये सेलेक्ट करें, और ये ठीक है, इसको ट्राई कीजिएगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है। मैं अगला टूल आपको बता दूं, अगला आई ड्रॉपर है, आई ड्रॉपर से जो आप जिस कलर पर हिट करेंगे वो कलर यहाँ आ जाएगा आपके पास, देखें, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये ग्राफ टूल है, ठीक है, कॉलम्स, डिफरेंट ग्राफ्स हैं, कॉलम्स को सेलेक्ट करता हूँ मैं, कॉलम्स का एरिया सेलेक्ट कर लें पहले, और इसमें वैल्यू पुट कर दें, जैसे आपके एक्सेल में होता है, और ओके कर दें, या यहाँ पर आप क्लिक कर दें, तो ये आपका ग्राफ आ गया, ठीक है। इसी तरह इसको डिलीट कर रहा हूँ, हम पाई चार्ट अगर बनाना है, पाई चार्ट का ऑप्शन भी है, कंप्यूटर मेरा जवाब दे गया है, ठीक है। यहाँ से हम डिफरेंट चार्ट से सब कुछ चेक कीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है, एरिया डिफाइन करना है, और वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, ग्राफ आ जाएगा 23, 45, 78 फॉर एग्जांपल, और जस्ट यहाँ पर क्लिक कर दें, ये आ गया। अब इसमें से कहीं कलर चेंज करना है, फर्ज करें, तो आपने कैसे कलर चेंज करेंगे, वाइट एरो से सेलेक्ट करें, ठीक है, इंडिविजुअल ग्रुप का अपने ऑब्जेक्ट को, और ये कलर चेंज कर लें, ठीक है। तो इसमें कोई मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, और इजीली आप इसको सिलेक्ट करेंगे, उसको बना सकते हैं,
अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास स्प्रे टूल है, ठीक है, और ये हमारा आर्टबोर्ड टूल, ये हमने सबसे पहली क्लास में किया था, इसको रिपीट कर लेंगे। ये स्लाइस टूल है, स्लाइस टूल अगर हम वेबसाइट बनाते हैं तो उसको स्लाइसिंग के लिए, इसके लिए ये टूल यूज़ होता है फोटोशॉप में, तो उसको वहाँ देखेंगे फोटोशॉप में, ठीक है। तो इलस्ट्रेटर को वेबसाइट तो बनती नहीं है, ठीक। ये जूम टूल है, आपने इसको मैग्नीफाई को हिट करें और ये जूम हो जाएगा, माइनस करना है, ऑल्टर को होल्ड करके रखें, माइनस साइन आ गया, हिट क्लिक करते हैं और ये माइनस होता रहेगा, ठीक है। ऑल्टर को छोड़ दें, प्लस आ जाएगा, प्लस हिट करते हैं, प्लस होता रहेगा, ठीक है। या स्पेसिफिक एरिया आप हाईलाइट कर लें तो वो हाईलाइट हो जाएगा, सही है। हैंड आपको पता है स्पेस बार इसका शॉर्टकट है, आपके डॉक्यूमेंट मूव कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। तो ये स्प्रे मैं अभी छोड़ रहा हूँ थोड़ा सा, इसमें डिटेल स्प्रे के अंदर, और हमारा जो ये शेप बिल्डर है, ये बड़ा काम का टूल है। तो ये दो टूल को मैं अभी रहने दे रहा हूँ, ये इंशाल्लाह हम अगली अगली क्लास में देखेंगे। और अपेयरेंस शायद हमने थोड़ा सा किया था, ये बड़े काम का है ज़बरदस्त अपेयरेंस, इसको हम डिटेल देखेंगे अगली क्लास में ना, और कुछ इमेजेस के ऊपर बात करेंगे। तो ये हमारा एलिस्ट्रेटर कंप्लीट हो जाएगा अगली क्लास में, तो आपने एब्सेंट नहीं होना है अगली क्लास में। और कुछ मैं असाइनमेंट दूंगा आपको पाथ फाइंडर की, वो आप कीजिएगा, और जो लोगों में मैंने बताया कि इम्प्रूव करना है, लोगो इम्प्रूव कर लें, टेक्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी पूरी, दोबारा दो तीन बार देख लें, ठीक है। फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना देख लें, किस तरह आपने डाउनलोड करने वो देख लें, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फ़ॉन्ट अगर नहीं है आपके पास, आप लोगो नहीं बना सकते, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ॉन्ट, अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट अपने अपने नेट से कॉपी करें, और फिर उसके साथ आप लोगोज़ बनाएं और मुझे दिखाएं, ठीक है। तो ठीक है, अगर कुछ सवाल है तो पूछें, वरना फिर हम जा सकते हैं।